गाइस, मैं दीपक नागर। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर की, जो लेटेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं और काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने अगर आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, जनरली हम लोग सब राजस्थान पत्रिका ही पढ़ते हैं राजस्थान में, तो उसका पहला फर्स्ट पेज ही क्या था, फर्स्ट पेज में एक पूरा ऐड था और किसकी तरफ से था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐड था। और उसमें एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, उस स्कीम का मैं आपका नाम बताऊंगा, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, RBIOS करके एक स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, ये RBIOS स्कीम है। इसका पूरा एक फुल पेज का मेन पेज कितना महंगा होता है, कम से कम 20 से 25 लाख रुपये में जब प्रिंट होता होगा मेरे इन माई ओपिनियन, तो इतना महंगा अगर RBI कोई ऐड दे रहा है तो कुछ ना कुछ बात होगी इसको। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बाद में बात करेंगे रिजर्व बैंक की, बाद में बात करेंगे इसकी स्कीम की, सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई इसके लिए ओम्बड्समैन क्या होता है। ओम्बड्समैन क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लोकपाल। ये शब्द बहुत फेमस रहा था लोकपाल के चक्कर में, तो भारत के इतिहास में लगभग पिछले 20-30 साल में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था 2010 के आसपास में, अन्ना हजारे जी ने किया था, आप लोगों को पता होगा। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, किरण बेदी थी, अरविंद केजरीवाल जी थे, जितने भी आम आदमी पार्टी कहाँ से पैदा हुई थी, आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। अन्ना हजारे जी के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था, एक उसका मुख्य मांग क्या थी कि देश में लोकपाल की स्थापना की जाए। तो ये लोकपाल होता क्या है, लोकपाल बेसिकली स्टूडेंट्स वर्ड आया है, स्टूडेंट्स से शब्द आया है, स्टूडेंट ने सबसे पहले दुनिया में लोकपाल को लागू किया था। तो देखो दोस्तों, समस्या क्या होती है, समझ करो हम PhD का, ये पानी विभाग का एक ऑफिस है, अब आपको इसमें कोई कंप्लेंट है तो इसका समझ को ये IGN ऑफिस बैठता है, अब यहाँ पर आपके कोई सुनवाई नहीं हो रही, या आपको नाजायज परेशान किया जा रहा है, या कोई और भी बात हो सकती है, तो अब आप इसके खिलाफ कंप्लेंट करने कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, कहीं ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्यों जाओगे, कहाँ जाओगे, हद IGN की जगह इसकी ऑफिस में सीनियर के पास चल जाओगे एक्शन। अभी एक्शन IGN दिन रात 24 घंटे साथ बैठते हैं, तो ये इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, कुछ भी नहीं करे, या इससे और ऊपर चल जाओ ऐसे ही खिलाफ, तो ये भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा इसके खिलाफ। तो ऐसे स्थिति में आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि गवर्नमेंट एजेंसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट कहाँ कर सको। तो फिर यहाँ से कंसेप्ट आया कि एक वो लोकपाल या एक अलग से ओम्बड्समैन हो, जिसके पास आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो अलग से, और जिसके पास पावर हो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की, जितने भी विभाग हैं, PhD हो चाहे रेवेन्यू हो चाहे कोई भी विभाग हो, तो एक लोकपाल बना दो वो सब विभागों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसी लोकपाल की तरह से राज्यों में क्या बनाया गया, लोकायुक्त, अभी राजस्थान में लोकायुक्त है, आप लोगों को पता होगा, इसे किसी को कंप्लेंट हो तो यहाँ लोकायुक्त में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। ये लोकायुक्त कंसेप्ट बेसिकली ये जो आंदोलन हुआ था 2010 के आसपास उसी से आया था। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, RBI कई चीज़ों को रेगुलेट करता है। RBI क्या करता है, कई सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, उनको कहते हैं RBI रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब RBI द्वारा विनियमित संस्थाएँ, RBI रेगुलेटेड एंटिटी, RE, ये RBI की रेगुलेटेड एंटिटी होती है। जैसे इनमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो बैंक होते हैं, जितने बैंक को आप सबको पता है कि बैंकों का रेगुलेटर कौन होता है, RBI होता है। फिर कई सारे NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो क्या करती है, पैसे का काम करते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह, इनके खिलाफ भी कर सकता है। कई पेमेंट कंपनीज होती है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होता है, पेमेंट वाले होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि पेटीएम वगैरह। आप सपोज करो बैंक में आपको कोई कंप्लेंट है, बैंक में आप ATM में पैसे निकालने गए लेकिन पैसा नहीं मिले, या बैंक में और कोई कंप्लेंट हो सकती है, तो बैंक में आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, या फिर NBFC में से आपको कोई संबंधी हो सकता है, या पेटीएम में आप फोन पे कर रहे थे आपका पैसा अटक गया, ना तो पैसा वापस आ रहा ना कुछ हो रहा, तो ऐसी स्थिति आप कंप्लेंट करने कहाँ जाओगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब तक है ना क्या था कि RBI ने 3 स्कीम चला रखी थी, जो क्या कहते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन कहते हैं उसको। ओम्बड्समैन कुछ नहीं होता, बैंकिंग ऑफिसर का सिंपल मतलब होता है कि RBI का ऑफिसर डेजिग्नेट कर देता है, RBI ऑफिसर होता है उसको क्या करती है, उसको RBI डेजिग्नेट कर देता है कि भाई इस एरिया में अगर आपको ये कंप्लेंट है तो इस ऑफिसर को शिकायत कर दो, वो ऑफिसर फिर क्या करेगा, उस शिकायत का फॉलोअप करेगा और कार्रवाई करेगा। तो बैंकिंग ऑफिसरमैन के लिए क्या था, एक बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम थी 2006 से चल रही थी, ऐसे NBFC के लिए ओम्बड्समैन स्कीम थी 2018 से चल रही थी, और ऐसे इनके लिए पेमेंट के लिए की थी 2019 से चल रही थी। अब दोस्तों क्या डुप्लीसिटी हो रही थी, जैसे मान लो ये राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर में सपोज करो यहाँ पर RBI का कोई ऑफिसर है, उसको क्या बना दिया, ओम्बड्समैन बना दिया, ठीक है। अब ऐसे एक ऑफिसर तो हो गया किसके लिए, बैंक के लिए हो गया, एक हो गया NBFC के लिए, एक हो गया पेमेंट के लिए, तो एक तरह से 3 ऑफिसर्स हो गया, तो क्या हो गया, मल्टीप्लिसिटी हो गई थी।
तो आरबीआई ने ये विजन लेके आया कि ये सब मिला दो, ये जितने भी स्कीम है इनको मिला दो, कोई जरूरत नहीं इतनी सारी स्कीम की, और एक सिंगल स्कीम ले आओ। इसलिए क्या कहा, रिजर्व बैंक की स्कीम है इंटीग्रेटेड, क्यों कहा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन स्कीम तो पहले से चल रही थी, लेकिन उन सब स्कीम को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इसलिए इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम कर दे। ये 2021 में नवंबर महीने में पीएम मोदी ने इनको लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इनको लॉन्च किया था, इसको आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अबे कैसे काम करता है, देखो सपोज करो ये बैंक है, आपको इससे कोई कंप्लेंट है, ये एनबीएफसी है आपको इससे कंप्लेंट है, यहाँ कोई सुन नहीं रहा, या फिर यह कोई पेटिंग है, कोई क्या पेमेंट कंपनी है, यहाँ पर मान लो आपको उनमें से कोई शिकायत है, तो आप सीधा आरबीआई के पास नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको क्या हुआ, जब बैंक है तो मान लो बैंक की ब्रांच में कोई दिक्कत है, ब्रांच में आपको कोई कंप्लेंट, तो ब्रांच मैनेजर के पास आप कंप्लेंट करो, बैंक में को कंप्लेंट करो, बैंक को कंप्लेंट करो आप सबसे पहले, क्योंकि सीधा देखो क्या था, ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि आप पहले अपने स्तर पर बैंक में प्रयास करो, फिर बैंक वाला ये तो कहेगा मतलब ओम्बड्समैन को कि भाई मेरे पास तो आया नहीं शिकायत लेकर। अगर आपको कोई बैंक से शिकायत है, सबसे पहले आप उसके पास जाओगे ना जिससे शिकायत है, वो आपकी समस्या का समाधान ना करे तो फिर ओम्बड्समैन में जाओ। तो आप क्या करे, बैंक के ब्रांच में चल गए, इसके पास में कंप्लेंट करी, अगर ये कंप्लेंट 30 डे का डेटा याद रखना, 30 डे में रिजोल्व नहीं करी, मान लो एप्लीकेशन दे दिया आपने कि मुझे ये कंप्लेंट है, लेकिन इन्होंने पेंडिंग डाल ली, 30 दिन तक कंप्लेंट नहीं करी, या फिर आप कंप्लेंट से सेटिस्फाइड नहीं, इन्होंने कोई कदम उठाया, वो कदम से आप क्या लगता है ये मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे, इन्होंने सही नहीं किया, ये जो डिसीजन लिया वो गलत है, तो ऐसी स्थिति में आप आरबीआई के कहाँ जा सकते हो। आप आरबीआई जो ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, इसके तहत आरबीआई ने क्या कर रखे हैं, कई सारे ओम्बड्समैन बना रखे हैं, प्रत्येक लगभग हर राज्य में एक एक ऑफिसर को डेजिग्नेट कर रखा है, और एक इसका सेंट्रल पोर्टल है, सेंट्रल पोर्टल बना रखा है सीएमएस करके सेंट, उस पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, ऑनलाइन जाके अपने जो भी कंप्लेंट है इसके आरबीआई के पोर्टल पे जाके आप इसे कंप्लेंट कर दो, और जो आरबीआई का संबंधित जो उस एरिया है, जो एरिया जिसके अंडर में आता है आरबीआई ओम्बड्समैन के अंडर में, उसके बाद वो कंप्लेंट चल जाएगी, फिर बाद में वो उसको फॉलो करेगा। और ये ओम्बड्समैन 20 लाख तक का मुआवजा दिला सकता है, कितने का, 20 लाख तक का मुआवजा दिला सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, 20 लाख तक का मुआवजा दिला सकता है, उससे ज़्यादा का ये इसके पास पावर नहीं, केवल 20 लाख तक का मुआवजा दिला सकता है। और फिर मान लो आप ये ओम्बड्समैन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इसके निर्णय के खिलाफ, या फिर बैंक नहीं हुआ, दोनों पार्टी में से कोई सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो अपील होती है ना, तो आप जो रिजर्व बैंक ऑफ का इंडिया का ईडी होता है, ईडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ईडी होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो मुंबई में बैठता है, इसको अपील कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको अपील भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों पूरी कहानी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक की जो इंडिकेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। अब हम चाहे तो एक बार इसको स्लाइड से डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैंने बताया था पूर्व में स्कीम चलती थी आरबीआई की, 3 पुरानी ओम्बड्समैन स्कीम थी। ओम्बड्समैन में कुछ नहीं होता, आरबीआई का एक ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंटमेंट कर दिया, अगर आप उस जो आरबीआई जिसको रेगुलेट करता है संस्थाओं को उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो, उन्होंने कोई डिसीजन लिया उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उस ओम्बड्समैन के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हो, जाने की जरूरत नहीं, आजकल सब काम ऑनलाइन होता है आपको पता है। तो ऐसे 3 स्कीम चल रही थी, सबसे पहले चली थी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006। जितने भी बैंक है ना, अगर बैंक की सेवाओं से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप यहाँ जाकर कंप्लेंट कर दो। फिर एक स्कीम चली एनबीएफसी के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग अपनी 2018 से चल रही थी। फिर एक वो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट किया आपने, पेमेंट हो गया लेकिन पैसा नहीं आया, बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो 2019 में से 3 स्कीम चल रही थी, तीनों स्कीम में अलग अलग अधिकारी अपॉइंटमेंट कर रखे थे। तो ये क्या हो रहा था, मल्टीप्लिसिटी हो रखा था। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई इसको मर्ज कर दो तीनों को, मर्ज करके क्या बनाओ, नवंबर 2022 में 2021 में ये आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लेके आ गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो आम जनता की जो रिड्रेसल है ना, कस्टमर की कंप्लेंट है, उसका फ्री में सॉल्यूशन किया जा सके, कॉस्ट फ्री रिड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट का कॉस्ट फ्री, कोई पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, ऑनलाइन कंप्लेंट करनी, बाकी वो कर लेगा। तो इसमें पर प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि आप सीधा बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले क्या होगा, जिस संस्था से कंप्लेंट है उसके पास जाना पड़ेगा, सबसे पहले रेगुलेटर एंटिटी होती है को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ये 30 दिन का याद रखना, अगर वो 30 दिन में वो समाधान ना करे, या फिर समाधान से आप सेटिस्फाइड ना हो, कंप्लेंट सोल्व ना हो या सेटिस्फाइड ना हो, तो आप कहाँ चल जाओगे, आप रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में चल जाओगे, जो 20 लाख तक का आपको क्या कर सकता है, 20 लाख तक का आपको कंपनसेशन दिला सकता है। ये दोस्तों इसके बारे में, ये इसका क्या था कंसेप्ट, बेसिकली क्या था, एक देश में एक ओम्बड्समैन होना चाहिए, वन नेशन वन ओम्बड्समैन, तो एक रिजर्व बैंक है तो उसका ओम्बड्समैन भी एक होना चाहिए। तीन तीन क्यों बैठा रखे थे पुरानी योजनाओं में, तो इसलिए अब वर्तमान में क्या हो रहा है, इस जो इसका स्लोगन ही यही था, वन नेशन वन ओम्बड्समैन, वन ओम्बड्समैन,
ओम्बड्समैन आप सबको पता ही से आरबीआई का ऑफिसर होता है, सिमिलर जनरली जनरल मैनेजर लेवल के आदमी होता है, जो स्टेट का सबसे टॉप ऑफिसर होता है ना, उसी को ओम्बड्समैन का दर्जा दे दिया जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जल्दी। थैंक यू, जय हिंद।